हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूल क्लास में। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको SCF के बारे में बताया था, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से हमने उस पर पहला वाला क्वेश्चन किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है। ठीक है, कि क्या बल 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, q भी कोई पूर्णांक है। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया क्या सॉल्यूशन, या तो हमने इसको लिख दिया हल। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हल। माना a कोई क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है, तब हम लिख देंगे इसमें नेक्स्ट क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या हम इसको क्या बोलते हैं, विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। तो हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ए बराबर हम क्या लिखते थे इसको, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या क्या होती है, 0 से लेकर बी से छोटी। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+3 इसकी फॉर्म में हो जाएगा भाई, इसके फॉर्म में कोई विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, हमारा विषम पूर्णांक तो यहाँ पे क्या मान रखा है, ए मान रखा है। ये बोला कि इसकी फॉर्म में होता है ये 6q+1, तो हम यहाँ पे साइड पे लिख दिया हमने इसको, जैसे 6q+1, 6q+3 और ये क्या हो जाएगा, 6q+5। ठीक है, अब यदि मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या ये विभाजन प्रमेय है, इसकी तुलना अगर मैं इसके साथ करता हूँ, जो बी क्यू प्लस आर वाला पार्ट है, मतलब मैंने इसको लिख दिया क्या बी क्यू प्लस आर, यदि मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ आपस में, तो मैं तुलना किसकी करूंगा, इसकी तुलना इसके साथ और इसकी तुलना इसके साथ। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि बी की वैल्यू कितनी है, 6 है दूसरे, और आर की वैल्यू यहाँ से क्या है, 1। ठीक है, अब दूसरे वाले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यहाँ से भी क्या पता चला, बी की वैल्यू कितनी है, 6, बी बराबर क्या है, 6, और आर बराबर क्या है, 3। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं तुलना करूँ, यहाँ पे क्या है, बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ पे आ गया 6, और आर की वैल्यू कितनी है, 5। तो मेरे को क्या पता चला कि बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में पहला स्टेप आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इतना आ गया। ठीक है, अब हम लिख देंगे इसमें, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि ए और बी बराबर 6, बी बराबर 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे आया बी बराबर क्या आ गया, मेरा यहाँ पे 6 आ रहा है हर कंडीशन में। ठीक है, यहाँ से भी 6 आ रहा था, यहाँ से भी क्या आ रहा था, 6 आ रहा, तो बी बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। बी बराबर 6 के लिए हमने क्या लिख दिया, बी बराबर 6 के लिए क्या हो गया, आर के संभावित मान, आर के संभावित मान। ठीक है, आर के संभावित मान क्या हो सकते हैं, यहां से क्या पता चला, 1, 3 और 5। इसका मतलब क्या हो गया कि R के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हो गए R के संभावित मान। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो विषम पूर्णांक है वो है A। ठीक है, तो अब हम A को क्या लिख सकते हैं, A बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 से लेकर 5 के बीच, हम इसके आगे लिख देंगे कि जहां आर बराबर क्या है, आर है हमारा क्या, 0 से लेकर
बी तक, ठीक है, बी से छोटा, बी कितना यहाँ पे 6। तो अब हमारा जो ये विषम पूर्णांक बना, ए बराबर हमारा विषम पूर्णांक क्या बन गया, 6Q+R, ठीक है, 6Q+R बन गया। हमारे पास आर की कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक आर की वैल्यू के लिए हम क्या अपना विषम पूर्णांक निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, इसके लिए ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, समीकरण नंबर 1। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दिया हमने आर बराबर 0 के लिए, आर बराबर 0 के लिए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6Q+, जब मैं आर की जगह पे 0 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 6Q। तो ये क्या आ गया, पहला पूर्णांक आ गया हमारा विषम पूर्णांक 6Q, ठीक है, ये आ गया। दूसरे में लिखेंगे हम आर बराबर 1 के लिए, ये नीचे जाएगा ये स्टेप इसके नीचे, ठीक है, आर बराबर 1 के लिए, तो आर बराबर 1 के लिए ए क्या आ जाएगा, ए बराबर 6Q+1। ऐसे ही फिर लिखेंगे हम आर बराबर 2 के लिए, तो आर बराबर 2 के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q+2। ऐसे ही क्या हो जाएगा, आर बराबर 3 के लिए हो जाएगा हमारा क्या, 6Q+3, और फिर हो जाएगा हमारा आर बराबर 4 के लिए 6Q, ये ए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ए की वैल्यू है 6Q+4। और लास्ट है कि आर बराबर 5 के लिए क्या आ जाएगा, ए बराबर 6Q+5। तो आर आर के 6 वैल्यू के लिए हमारे पास ए के कितने आ गए, 6 वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू आई यहाँ से 6Q, दूसरी आई 6Q+1, फिर उसके बाद आई 6Q+2, उसके बाद आई 6Q+3, उसके बाद आई 6Q+4, उसके बाद आई लास्ट 6Q+5। हम क्या इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे इन सब के नीचे आ जाएगा कि अब हम देखते हैं कि हमने हमारा जो विषम पूर्णांक ए है वो विषम किस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, हमारे पास तो 6 कंडीशन है, ठीक है, हमारे पास पहली कंडीशन है 6Q, हमने इसको लिख दिया ए बराबर 6Q। तो सम संख्या क्या होती है कि जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी भाग जाता है। अगर यहाँ पे मैं इसको लिख दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3Q, ठीक है, ये हो गया 3Q। यदि मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ, ये तो सम संख्या है, अगर इसमें पूरी पूरी बार नहीं जाएगा तो ये क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 से पूरी पूरी बार जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी सम संख्या हो गई। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था कि ये क्या है, पूर्णांक बल क्या विषम संख्या के रूप में होता है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ए बराबर 6Q हमारी विषम संख्या के रूप में नहीं होगा। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है आर बराबर 1 के लिए 6Q+1। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ए बराबर 6Q+1, आप क्या करेंगे इसको कि जो ये स्टेप है इसके नीचे आएगा ये, ठीक है, जब हम इन स्टेप को करेंगे इसके नीचे ए बराबर 6Q बराबर, इसको ऐसे लिख दिया, ये क्या होगी, सम होगी, लेकिन ये तो क्वेश्चन में नहीं थे, हमने क्या निकाला है, विषम के रूप में होता है, ठीक है। अब हो गया ये 6Q+1। अब यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूं, इसमें तो 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है, ये हो गया विषम, ठीक है। तो एक फॉर्म क्या हो गई इसकी, 6Q+1, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था। तो पहला तो आ गया क्या, 6Q+1 के रूप में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद आर बराबर 2 के लिए क्या है, ए की वैल्यू 6Q+2। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बराबर क्या हो गया, 6Q+2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3Q+1। यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूँ, सम संख्या के लिए यदि मैं 2 का भाग दे दूँ, तो ये तो पूरी पूरी बार कट रहा है, ठीक है, तो मतलब ये कुछ भी आए तो इसमें क्या रहा, 2 का भाग जा रहा है, लेकिन ये भी क्या होगी, सम संख्या होगी, ये भी क्या हो गई, सम संख्या हो गई, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा था कि विषम संख्या के रूप में होना चाहिए ये, ठीक है, तो ये क्यू के लिए ये विषम संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब जो तीसरा है, चौथा है आर बराबर 3, आर बराबर 3 के लिए ए का मान क्या रखा है, ए बराबर आ रखा हमारा 6Q+3। इसमें यदि मैं 2 का भाग देता हूँ तो ये क्या, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है,
तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये 6q+3 भी क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि ये क्या भी एक विषम पूर्णांक के रूप में है, तो ये भी क्या हो गया हमारा विषम हो गया। ठीक है, r बराबर 4 के लिए a की वैल्यू कितनी है, 6q+4, तो a बराबर है 6q+4। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3q+2, मैंने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया एक सम संख्या के रूप में होगी, क्योंकि मैं इसमें यदि 2 का भाग देता हूँ तो q की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या हो गया एक सम संख्या के रूप में हो जाएगा, ये भी क्या हो गया विषम संख्या के रूप में, ये ए ए को हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला है कि आर बराबर 5 के लिए क्या रहा है, 6q+5, तो आर बराबर 5 के लिए क्या आ रहा है 6q+5, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि आर बराबर 5 के लिए 6q+5 आ रहा है, तो ए बराबर क्या हो गया 6q+5, जो कि क्या एक विषम संख्या के रूप में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गए, हमारे पास पहला आ गया क्या ए बराबर 6q+1, ये भी क्या हो रहा है विषम संख्या हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है ए बराबर 6q+3, ये भी विषम संख्या हो रहा है, और तीसरा आ रहा है ए बराबर 6q+5, तो ये तीन क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये तीन आ रहे हैं हमारे पास क्या आ रही है विषम संख्या के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, यही हमने इसमें दिखाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप करना है, सबसे पहले क्या लिख देना है, माना कोई ए कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, इसमें कोई विषम पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा ए बराबर BQ+R। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या कि इसमें नेक्स्ट में लिख देंगे कि क्या 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5 होने के लिए क्या हमारे पास क्या आ गए B की वैल्यू आ गई 6 आ गई, तो इसके बाद लिखेंगे कि A और B बराबर 6 के लिए R के संभावित मान, R के संभावित मान क्या आ गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम सबसे पहले R की वैल्यू रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 4, फिर 5, तो हम देखते हैं कि कौन सी संख्या विषम संख्या हो रही है, तो हमारे पास संख्याएं विषम कौन कौन सी हो रही थी, ए बराबर 6Q+1, ए बराबर 6Q+3 और ए बराबर 6Q+5, ये तीन संख्याएं ही हमारे पास ऐसी हो रही थी कि जिसको हम क्या लिख रहे थे धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि कोई क्या है 32 संख्या वाली क्या है बैंड, पहले तो बैंड वाले हैं आगे से, ठीक है आर्मी के जवान है, तो ये आगे से चलेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने बता ऐसे बना दिया, ये आगे से जा रहे हैं, इसके पीछे क्या होंगे ये 616 भी होंगे, जो ये जवान होंगे बैंड वाले वो तो कितने 32 हैं, ये हैं हमारे पास 32 जवान हैं, इन 32 जवानों को क्या होना है 616, इन 32 जवानों के पीछे जो ये 616 सदस्य वाले एक दूसरी टुकड़ी है इनको भी खड़ा होना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनकी स्तंभों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि यहाँ पे बोला का अधिकतम संख्या, ठीक है अधिकतम नंबर कितना होगा। ठीक है, अब अधिकतम के लिए आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब भी हम अधिकतम की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं उसमें एससीएम निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला है पहला है कि आर्मी बैंड की टुकड़ी है 32 जवानों वाली, अब 32 जवान है तो 32 जवानों को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, या तो एक ही रो में 32 जवान हो जाएंगे ये, ठीक है, और इसके पीछे भी 616, या तो 32 के लिए मैंने बोल दिया कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो दो टुकड़ी हो गई, दो टुकड़ी का मतलब क्या बन गया एक में 16 एक में 16, मतलब इसके पीछे 16 इसके पीछे भी 16, तो ऐसे ही इन 16 के पीछे फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इसको भी वो करना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी 16 16 के रूप में पीछे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे यहाँ 16 लगाएंगे, फिर इसमें भी 16 लगाएंगे, इसमें भी 16 लगाएंगे, इसमें भी 16 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर इसको सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन हो गया है, हम इसमें क्या लिखते थे, माना क्या, माना कुल क्या हो गया, हमारे पास कुल क्या है, स्तंभों की संख्या क्या है, कुल स्तंभों की संख्या क्या है, ए है, ठीक है। हमारे पास माना हमने लिख दिया ए है, तो ये ए किसके बराबर होगा, हम लिख देंगे ए बराबर हो जाएगा 616 और 32 का क्या निकाल देंगे हम इसमें SCF, ये हो गए हमारे क्या, वो अधिकतम स्तंभों की संख्या, हमने क्या माना था ये ए है, तो ये ए क्या हो जाएगा 616 और 32 का SCF। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा 616 और 32 का SCF निकालना है। 616 क्या हो गया, हमने लिख दिया 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो इसमें क्या कर देंगे हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास आर बराबर क्या आ जाए, आर बराबर जब तक कि हमारे पास जीरो ना आ जाए तब तक हम इसमें क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में होगा 616 बराबर, पहले हम 32 का भाग देंगे 616 में, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देखिए कितना आ गया, ये 616 है, यहाँ पे 61 है, तो एक बार गए तो 32, यहाँ पे है एक, एक में से दो जाएगा नहीं, यहाँ से कह रहेगा 11 में से दो गया 9, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से दो गया, 5 में से 3 गया 2, ये 29, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब 32 का भाग देंगे हम इसमें, ठीक है। अब 9 बार देखेंगे हम, तो 9 दुनिया 18 हो गया, ठीक है, 9 दुनिया 18 हो गया, फिर 9 थे 27 और 28 तो ये क्या गया 288। अब 296 में से 88 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। अब ये कितनी बार भाग गया, 19 बार भाग गया, प्लस शेष कितना आ गया, 8 शेष आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरियम, इसको फिर हम क्या नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको नीचे लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। अब ये 32 को हम क्या लिख देंगे, 32 बराबर 8 गुणा गए 4, 8 चौक 32 प्लस 0, तो जी हमारे पास आर बराबर 0 कब आया, 8 पे आ गया, तो वो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो गई, 8, तो हम लास्ट में लिख देंगे क्या, जो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो गया हमारे पास, 8, ठीक है।